वेलकम बैक माय चैनल माईवाज में आपका फिर से स्वागत है गाइस। मैं आज जो आपके साथ लेकर आई हूँ आपके लिए वो है हैना पेन। मैं हैना कैसे इस्तेमाल करती हूँ और हैना में क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ वो लेकर आई हूँ, और इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड आई एम श्योर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा एंड आपके बालों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट को मिलेगा। तो गाइस मैं हैना बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी जो है आप सबको पता है त्वचा के लिए बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं हल्दी। तो आप हल्दी को बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं हैना के साथ भी, और उसके विदाउट भी कुछ और पैक्स होते हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। हल्दी हमारे बालों के जो स्कैल्प होते हैं बहुत अच्छा होता है उसके लिए, और डैंड्रफ बहुत कम होता है इससे, ठीक है। तो अब इसलिए हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। ये चाय पत्ती जो है वो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आपको दिखाएंगे। हमें क्या क्या चाहिए पहले हम बता देते हैं। पहले हम लेंगे हल्दी, चाय पत्ती, एलोवेरा जेल हमने लिया है, एग लिया है, ऑनियन लिया है, नींबू लिया है। नींबू का मैंने छोटा हिस्सा लिया है। इसमें ये है करी पत्ता, और ये है मेरी कलौंजी और मेथी, जिसका इस्तेमाल मैं हर चीज़ों में करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कॉफ़ी का पाउडर, और ये मैंने हैना पैक लिया है। मैंने ब्राइट हैना लिया है, आप चाहो तो कुछ भी हैना ले सकते हो, वो आपके ऑप्शनल है। और एक से बाद एक्स्ट्रा जो है मैं वो है इनो लूँगी इसमें, ठीक है, इनो का इस्तेमाल करूँगी। तो आज मैं इन सारी चीज़ों से अपने जो मेरी हैना पैक है वो बनाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ऑनियन को पेस्ट कर लूँगी और पेस्ट करके उसमें मिक्सअप कर दूँगी, ठीक है। पहले ऑनियन और मेथी और कलौंजी जो है वो भी इसमें डालूँगी, इसलिए मैं क्या करूँगी ऑनियन कलौंजी और मेथी को एक साथ ही पेस्ट कर लूँगी। आप चाहे तो अलग अलग पेस्ट कर सकते हो, पर मैं इसका इस्तेमाल एक ही साथ करूँगी, सो मैं इसको एक ही साथ पेस्ट कर दूँगी। ओके, हमारे मिश्रण भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। जो ऑनियन कलौंजी और मेथी का मिश्रण लिया था वो रेडी है। अब आप देख सकते हैं मैं चूल्हे में छोटा सा कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने पानी डाला है। अब उस पानी में मैं क्या करूँगी, ये जो कारी पत्ता हमने लिया था उस कारी पत्ता को इसमें हमें डाल दूँगी, और इसको मैं कारी पत्ता को जो मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी, ठीक है। ये मैंने कारी पत्ता बहुत दिन पहले मैंने तोड़ लिया था, तो इसको मैंने कुछ हद तक सुखा लिया था, कुछ कुछ सूख गया था, कुछ कुछ ऐसे ही हैं। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मीडियम तो पे डालूँगी और उसको अच्छे से मैं पूरा बॉयल करूँगी, ठीक है। उसको बॉयल करने के बाद उसी के पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस ऐसे ही हम इसको 10 मिनट तक बॉयल के लिए रख देंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो कारी पत्ता है उसको अच्छे से बॉयल कर लें। इसी बॉयल पानी में जो गाइस हम हैना बनाएंगे इसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि कारी पत्ता का जो भी विटामिन है वो उसमें मिल जाए। कारी पत्ता का जो भी हमें चाहिए उससे जो भी चीज़ हम लेने की कोशिश करें, ताकि हम बालों को अच्छे से अच्छे बने, हमारे बाल जो है वो घने बने, स्मूथ बने, और ठीक है। तो इसलिए ये जो कारी पत्ता है उसके सारी जो गुण है उस पानी में एकदम मिल जाए, इसलिए हम उसको अच्छे से बॉयल करेंगे। और इसी पानी में हम एक्स्ट्रा जो भी करेंगे इसी पानी को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से 10 मिनट तक उसको अच्छे से हिलाएं। अगर 10 मिनट में ज़्यादा भी आपको चाहिए तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखना आप जितना भी इसको बॉईल करोगे उससे उतना ही आपका स्मेल निकलता जाएगा, तो आपको पता चलता जाएगा कारी पत्ता का कि कारी पत्ता आपका बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कारी पत्ता का जो है ना पानी जो है पानी का कलर एकदम बदल जाएगा आपका, ठीक है। तो लगभग मेरे कारी पत्ता रेडी है, कारी पत्ता का जो पानी हमें चाहिए वो लगभग रेडी है। आप अगर चाहो तो गाइस कारी पत्ता का पानी ऐसे ही करके आप एज ए मास्क इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कारी पत्ता को बॉयल करके उसमें अगर चाहो आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हो, और उसको बॉयल करके उसके पानी आप मास्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, गुण बहुत बढ़िया आता है। देखिए गाइस हम खाना खाने के लिए जैसे हमें लाजवाब चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो उसी तरह हमें तो अपनी त्वचा बालों को लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। सो लगभग मेरी कारी पत्ता इज रेडी, एंड अब मैं इसको एक बॉयल में डाल दूँगी। सो गाइस जिसमें मैंने मैंने कारी पत्ता का जो पानी है उसको निकाल दिया, अब उसी बॉयल में थोड़ा सा पानी देख के इसको अभी फिर से हॉट करने के लिए मैंने रख दिया। अभी वो पानी जैसे ही थोड़ा सा
अब देख रहे हैं पानी थोड़ा सा गर्म होने लगा, हमने जो पत्ती ली थी उस पत्ती को यहाँ पे डाल देंगे। अब इस पत्ती के जो कलर हैं वो हमें पूरा चाहिए, ओके, एकदम पूरे कलर आना चाहिए। ये मैंने थोड़ा लिया है, आप आपके बालों के हिसाब से लीजिए क्योंकि मेरे बालों पर इतना नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं और भी चीज़ों का यहाँ पे मिश्रण करूँगी, एक भी मिश्रण करूँगी तो ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा सब मिल मिश्रण, तो ज़्यादा आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम पर रखना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे ताकि जो पत्ते हैं जो चपत्ती हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। अभी हमारे चाय पत्ते ऑलमोस्ट रेडी हैं, हम इसको भी निकाल देंगे, इसको एक छोटा सा कटोरा पे रख देंगे। हमने डाल दिया, अभी इसको फिर से हमने डाला। अब जो गाइस हमने करी पत्ता जो लिया था उसी करी पत्ता को हम इसमें डालेंगे, करी पत्ते की जो पानी, सॉरी करी पत्ता नहीं डालेंगे, करी पत्ते का जो पानी हमने लिया था उसको डालेंगे, वो अभी भी थोड़ा सा गर्म है। फिर इसमें जो हमने चाय पत्ती ली थी उसको डालेंगे, चाय पत्ती हमने फेंक दिया, चाय पत्ती का जो पानी बचा हुआ था, जो देख रहे हैं आप कलर ठीक उस तरह से कलर आना चाहिए, कलर ये हमने डाल दिया। अब इसमें हम एक एक करके चीज़ों का मिश्रण करते जाएंगे, उसके बाद हम डालेंगे अपना कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी को हमने मिक्स कर दिया, कॉफ़ी आपकी चॉइस, आप ले सकते हो नहीं भी ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हाँ ले लिया, हमने कॉफ़ी डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से मिश्रण करेंगे ताकि कॉफ़ी भी इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। गाइस आप चाहते हो तो कॉफ़ी एंड में भी मिक्स कर सकते हो, मैं थोड़ी सी जल्दी मिक्स करती हूँ क्योंकि मैं एंड एकदम आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि मैं ये है ना जो है मैं 2 घंटे या कम से कम 3 घंटे बाद लगा लूँगी। आप लोग चाहो ज़्यादा से लोग तो पहले दिन बना के रखते दूसरे दिन लगाते हैं, हालांकि मेरे पास टाइम इतने अवेलेबल नहीं होते हैं, थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, और जब टाइम मिलता है तब मैं भी पहले दिन बना के रख देती हूँ दूसरे दिन लगाती हूँ। बट गाइस ज़रूरी नहीं है कि हैना को आप पहले दिन बना के रखो दूसरे दिन इस्तेमाल करो, हैना आपको बनाने के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना मिक्स हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि हैना को आप लोहे के कढ़ाई में ही बनाओ, बिल्कुल ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हो, कोई भी कटोरा पे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप हमारा कॉफ़ी भी मिक्स आ गया, कॉफ़ी मिक्स होने के बाद गाइस एक स्मेल निकल जाएगा, करी पत्ता और कॉफ़ी का एक लाइक मिक्स एक स्मेल निकलता है वो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कलौंजी और मेथी और ऑनियन का मिक्स किया था अब उसको हम डाल देंगे इसमें। गाइस मैं हमें मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने हमेशा कलौंजी और मेथी का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छे हैं बालों के लिए, बाल गिरना भी कम होता है और बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और बालों को बहुत अच्छा बर्थ भी मिलता है, यानी कि नए नए बर्थ का नए नए बालों का जन्म भी बहुत अच्छे से होता है, छोटे छोटे बाल जो मेरे सामने भी निकले हैं वो होते हैं, बहुत अच्छा होता है, आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। और कलौंजी और मेथी आप किसी भी तरह से भी, मेथी को अगर आप भिगो के रखते हो और उसके पीस के नहाने से पहले 15 मिनट पहले आप लगा के रख दो, उसके बाद आप डाल दो धो दो शैम्पू से तो भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है कलौंजी और मेथी, ठीक है। मेथी आप ओके मेथी को भी खुद सिर्फ मेथी से भी आप ऑयल बना सकते हो विदाउट एनी ऑयल, ठीक है, आप किसी भी ऑयल का मिक्स बिना किए भी लगा सकते हो क्योंकि मेथी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद हम अपनी जो हमने जो हल्दी ली थी उस हल्दी को हमने मिक्स कर दिया, हल्दी के मैंने कहा था कि हल्दी जो स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है और डैंड्रफ के लिए भी हल्दी बहुत अच्छा होता है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर अप एंड डाउन करती हूँ, जर्नी करती हूँ तो मुझे हल्दी चाहिए होती है, इसको मैं हल्दी इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं जो है मेरी जो हैना पैक मैंने लिया था वो हैना पैक मिक्स कर दूँगी, मैंने पूरे हैना को मिक्स कर दिया है। आप तो जैसा क्या करेंगे, आँख को धीमी में डाल देंगे, धीमी लौ पर डाल देंगे, उसके बाद हैना को मिक्स कीजिए, मैं इसे मिक्स करती हूँ ताकि ये जल्दी मिक्स हो जाता है,
ये कलर देखिए, आपको ज़रूरी नहीं कि लोहे के कढ़ाई में ही कलर आएगा, बिल्कुल नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना आप किससे बनाते हो, ठीक है। तो ये हमारा है ना, जो आप ऐसे मिक्स कर लीजिए, हमने मिक्स ऑलमोस्ट कर लिया है। अभी उसमें जो है हमने नींबू लिया था, उस नींबू की जो पानी है उसमें पूरा डाल देंगे हम, नींबू की जो रस है उसको पूरा डाल देंगे ताकि उसमें ना बचा रहा हो। नींबू भी बहुत अच्छा होता है स्कैल्प के लिए, डैंड्रफ के लिए, ठीक है। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं एलोवेरा जेल मिक्स कर रही हूँ। एलोवेरा जेल भी ऑप्शनल है, लेकिन एलोवेरा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप सब जानते हो, तो आप इसको मिक्स ऐसे कर सकते हो। एलोवेरा को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ऑलमोस्ट मेरी जो हैना है वो रेडी है। मैं दो घंटे के बाद या कम से कम दो से तीन घंटे के बाद मैं इसी हैना का इस्तेमाल करूँगी। लास्ट में हमें क्या करना, एक का जो रेड वाला जो है उसको हमने नहीं लिया है, वो आप लीजिएगा मत, नहीं चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। व्हाइट जो एक के अंदर का व्हाइट का जो पानी का हिस्सा होता है वो उसको आप अच्छे से डाल दीजिए, उसको आप मिला दीजिए और मिला के एक साथ रख दीजिए। हमारा हैना देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं। उसके हमने हैने में कहा था आपको हमें इनो इस्तेमाल करेंगे, ये हम इनो ले रहे एक चम्मच, ठीक है। तो आप इसको हम मिक्स करके, इनो से बहुत स्मेलिंग होता है, बाल अच्छा होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस मेरी जो हैना है वो ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं मेरी हैना बैग बिल्कुल रेडी है, इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो गाइस मेरी हैना ऑलमोस्ट रेडी है और ये मेरा हैना बन चुका है, ठीक है। तो आप भी ऐसे हैना का इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपका। सो गाइस आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, और आपको अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।